लो भाई साहब, आज आपको मैं दिखाता हूँ कायलाना झील। और वो जो पानी है वो नहर का पानी इस कायलाना झील के अंदर छोड़ दिया गया है और एकदम साफ सुथरी जोधपुर की कायलाना झील। यहाँ पर आप इस झील पर आना चाहते हो तो यहाँ पर आपको बोटिंग जो कि चार ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसा कि एक सामने वो बोटिंग आ रही है नॉर्मल। यहाँ पर सेफ्टी गार्ड का पूरा ख्याल रखा जाता है। तो भाई ये है फर्स्ट बोटिंग जो कि 500 रुपये का चार्ज रहता है और ये मात्र 2 मिनट का है, लेकिन टाइम पीरियड कभी कभी 4 मिनट तक हो जाता है। लो भाई, अब सूर्य अस्त हो गया है और जैसे अस्त होता है तो जो सनसेट है उसका जो फोटोग्राफी के साथ में लोग यहाँ पे जो आते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे लोग आके फोटो भी खिंचवाते हैं। लो भाई, मैं यहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ कायलाना झील का और इस झील में आपको तैरना नहाना सख्त मना है और कुछ यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करना पड़ेगा। लो भाई, आप यहाँ से भी मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, ऊपर से प्रॉपर पूरा कायलाना झील का आपको व्यू दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ से प्रॉपर आपको कायलाना झील दिख जाती है, जिसकी चौड़ाई कम है और लंबाई ज़्यादा है। और ये पूरे पूरे जोधपुर के अंदर इसका पानी है पेयजल के रूप में सप्लाई होता है और यहाँ अभी नहर से जो कि पंजाब साइड से वो पानी आ रहा है। अभी कायलाना झील पर आपको मैं बता रहा हूँ ये जो जिप लाइन, इसका आने जाने का जो है आप आनंद ले सकते हो और यहाँ से इनका पे जो लगता है पर पर्सन 250 रुपये। यहाँ पर मोर एक्टिविटी और यानी कि दूसरा भी ऑप्शन है जिप लाइन के साथ साथ में आपको शूटिंग टाइम और रॉकेट इंजेक्टर वाला वो भी आपको मिल जाता है। जैसा आप चाहो वहाँ यहाँ पर आके आप आनंद ले सकते हो और यहाँ पर कस्टमाइज़ के बाद में आप है वो आराम से इस ट्रिप का मज़ा ले सकते हो। इसका एलाना रोड यानी कि इस जो लेक के पीछे जो सामने जो रोड है इनका जो मैं रोड देख रहे हो और इसके पास में आपको जो हॉर्स की राइडिंग वो भी मिल जाती है पर पर्सन 100 रुपीज़ का जो चार्ज है। और पास में ये मार्केट है, आप चाय नाश्ता कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक्स वो भी आप आराम से कर सकते हो।